अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके BTC DLED चतुर्थ सेमेस्टर गणित। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस आपका डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके पेपर में अति लघुत्तरी के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने बनेंगे उसको देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपके जो बहुविकल्पी के 5 क्वेश्चन बनते हैं प्लस 6 क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरी के, मतलब 11 नंबर तो आपके दोस्तों कवर होने ही वाले हैं। और हो सकता है दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके लघुत्तरी में भी बन जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और उम्मीद करेंगे दोस्तों आप 25 में 25 अंक मैथ में ला सकते हैं कैसे। तो इसके बाद दोस्तों आपके लिए एक लघु त्रि की अलग से वीडियो है, बहुविकल्पी की अलग से वीडियो है, सभी वीडियोस अलग अलग आपके लिए अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो को देखिए, उसके बाद उसको भी देखिएगा। तो पहले दोस्तों इसको शुरू करते हैं और आप चेक करिए आपको कितने क्वेश्चन या आपका रिविजन कैसा है। पहला प्रश्न दोस्तों आपके लिए आता है अति लघु त्रि का, करणी संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों करणी संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल ठीक है या घनमूल, चतुर्थमूल, पांचवा मूल या एनवा मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती, वे सभी करणी संख्या कहलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कुछ होता है ना अंडर रूट 3, तो ये दोस्तों इसका अंडर रूट बाहर तो नहीं निकलेगा ना, जैसे अंडर रूट 4 इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, तो मतलब समझ रहे हैं, तो वो करणी संख्या नहीं होगी। तो करणी संख्या दोस्तों अब आपको समझ में आ गया कि वे संख्याएं जिनका वर्गमूल या हम घनमूल निकालें या चतुर्थमूल या पांचवा मूल ठीक है, तो जिनका मूल दोस्तों जो होता है वो प्राकृतिक संख्या ना है। प्राकृतिक संख्या दोस्तों क्या होती है आपको पता होगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर और इसको एंथ डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या दोस्तों एक से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 ठीक, मतलब दोस्तों अगर आपके ऐसी नहीं आती प्राकृतिक संख्या तो आपका वे सभी करणी संख्या कहलाती है ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या रहा आपका, आइए देखते हैं। 5 की घात 5 भागे 5 की घात 3 का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे होगा दोस्तों, क्या लिखा है क्वेश्चन में, 5 की घात 5 ठीक है और भाग में दोस्तों आपका है 5 की घात 3। तो दोस्तों आपको इसका मान बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन सिंपल आते हैं दोस्तों, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो 5 की घात ऊपर 5 है, नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा घाते। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, 5 की घात 5 में से 3 क्या बचा 2, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, 5 × 5 इसको आप लिख सकते हैं ना, तो 5 × 5 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 25। देखिए दोस्तों हमने एक एक दो दो लाइन आपके लिए इसलिए लिख कर दिखा देते हैं, जैसे आप लोग सोचते होंगे यार 5 के स्क्वायर सीधे 25 हम लिख सकते हैं, लेकिन होता है आपका एक स्टेप बढ़ जाए तो एग्जामिनर को थोड़ा लगे कि हाँ बच्चा भाई मेहनत कर रहा है, तो ये थोड़ा बहुत आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं ठीक है। इसका मान ज्ञात करना था या तो 25 करके आप आंसर कर दीजिए या 5 के स्क्वायर करके करिए, लेकिन 25 करके करिए ज्यादा सही रहेगा, इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या रहा आपका, 29 की घात 3 तथा 26 की घात 3 का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो भाई सिंपल सा है, गुणा करना है आपको 29 की घात 3 बराबर दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं इसको, 29 × 29 × 29। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से अपने कॉपी पर करके देखिए कितना आता है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है 26 की घात 3 ठीक है, इसको भी दोस्तों 3 बार गुणा करना होगा, 26 × 26 × 26 जो आएगा दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए हम आपको एक करके दिखा देते हैं 29 का ही पहले ठीक है, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं 29 × 29 पहले करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 × 9 = 81, 9 × 2 = 18 और 18 × 8 = 200 तो आपका 26, फिर दोस्तों गुणा होगा 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4 = 5, 1 × 8 = 14 हो जाएगा दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 × 2 = 7 = 8 आपका ठीक है। दोस्तों फिर से हम दोबारा 29 से गुणा कर लेंगे क्योंकि हमारा 29 का क्यूब था, अब फिर से दोस्तों गुणा करने पर क्या आएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, 36 का दोस्तों आया 6, 8 = 3, 9 × 8 = 72, 72 × 3 दोस्तों होता है आपका 75 ठीक है। दोस्तों अब 2 से गुणा कर लेंगे यहाँ पर, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, क्या हो जाएगा दोस्तों 9, 6 × 2 = 8, 8 × 5 = 13, 7 × 3 = 14, 1 × 2 = 24, 389 यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर आपका ये आ चुका है दोस्तों ठीक है। अब दोस्तों वैसे ही आप लोग 26 × 26 × 26 कर लेंगे तो इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आपको साइड में करके दिखा देते हैं। तो काफी बच्चे सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, तो दोस्तों आपका बीटीसी का पेपर दे रहे हैं तो ये बेसिक क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाते हैं, 6 × 36, 6 × 12, 3 × 15 ठीक है, 2 × 12 = 2, 2 × 4 = 5, यहाँ दोस्तों आ जाएगा 6, 5 × 2 = 7, यहाँ आ जाएगा 6, 6 × 2 = 76 दोस्तों, फिर से गुड़े एक बार 26 कर लेंगे जो आएगा, अब ये फाइनल आंसर आ गया यहाँ से, 6 × 36 = 6, 6 × 7 = 42, 3 × 45, 6 × 36 = 40 ठीक है। दोस्तों फिर 2 से गुणा कर लेंगे, 2 × 12 = 2, 2 × 7 = 14, 1 = 15, 2 × 12 = 13, क्वेश्चन आसान होते हैं दोस्तों लेकिन पेपर में आ जाते हैं कभी कभी और हम लोग जल्दबाजी में
देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में सबको पता है सभी बच्चों को गुणा करने यहाँ तक आता है, तभी सभी बच्चे यहाँ फाइनल सेमेस्टर में पहुंचे होंगे। लेकिन दोस्तों होता है क्या है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चे जल्दबाजी में कभी कभी गलतियां कर जाते हैं, तो दोस्तों वही गलतियों से आपको बचना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 125 को आधार 5 के घातीय संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, 125 आधार, ठीक है ना। तो पहले आप 125 दोस्तों क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए 125 का गुणनखंड फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा, 50 25 गुणे 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 125। तो दोस्तों इसको मैं लिख सकते हैं ना, 5 के आते 3, समझ गए ना 125 का ये कैसे आया। नहीं आता, सिंपल सा प्रोसेस यही, आप लोग इसको तो याद आता ही होगा ना। पहले देखेंगे सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, 5 3 जाएगा 5 2 10 50 25, फिर दोस्तों 5 से भाग करेंगे 50 25, और दोस्तों 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5। तो दोस्तों ये फैक्टर आपके देखिए यहाँ पर लिखा है ना, 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार, तो वही चीज दोस्तों यहाँ से लिखा गया है। तो आधार आपको दोस्तों क्या क्या बोला गया कि को के घातीय संकेतन में किस प्रकार लिखा जाएगा, तो दोस्तों मैं ये लिख दिया है। फिलहाल इसका आधार आपका हो जाएगा 5 और घातांक हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, आधार बराबर दोस्तों आ जाएगा आपका 5, घातांक हो जाएगा दोस्तों आपका 3। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि करेडी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो दोस्तों करेडी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है दोस्तों बताइए, सिंबल पूछा गया, सिंबल क्या होता है। ऐसे एक दोस्तों बना लीजिए और यहाँ पर एन लिख दीजिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी यहाँ पर क्या हो सकता है ना, अब हमें पता नहीं स्क्वायर रूट में कभी कभी दोस्तों यहाँ पर 2 लिखा जा सकता है, कभी कभी दोस्तों जब घन का निकालना घनमूल निकालते हैं तो यहाँ दोस्तों 3 हो जाता है, चौथा पांचवा मूल करके। इसलिए दोस्तों हमारा जो फाइनल आंसर होगा आप क्या लिखेंगे, खाली ये वाला ब्रैकेट ऐसे बनाएंगे सिंपल सा, करेडी का प्रतीक चिन्ह, ठीक है। अच्छे से बनाते हैं दोस्तों, ऐसे बना के यहाँ पर एन लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, सिंपल से क्वेश्चन। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखिए अभी आपके लिए लघु उत्तरी की एक अलग से स्पेशल वीडियो बन चुकी है, वो भी आपको इस वीडियो को बाद देखने को मिलेगी, तो उसमें एक से एक क्वेश्चन होंगे कठिन। तो दोस्तों अभी आसान क्वेश्चन आप सीख लीजिए बेसिक, क्योंकि आपके एक एक नंबर कैसे क्वेश्चन आएंगे वो 2 नंबर के प्रश्न होंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, 6 अंकों की हमें छोटी से छोटी संख्या बताना कि जो एक पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो दोस्तों आप बताइए 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप दोस्तों लिखेंगे 1, 6 अंक लिख देते हैं दोस्तों, कितने 0 हो गए, 3 4 हो गए, 5 और 6। दोस्तों आप ये बताइए क्या ये आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आप उसका अंडर रूट निकालें तो भाई आसानी से निकाला, ऐसा ना रहा कि कुछ अंडर रूट में रह जाए। तो दोस्तों अगर हम इसको अंडर रूट में करते हैं, कितना लिखा दोस्तों, 1 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 के घाते 5। तो दोस्तों हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना, 10 के घाते 4 गुणे 10, ये एक हो जाएगा, 10 के घाते 4 दोस्तों जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 के घाते 2, या 100 कह सकते हैं, अंडर रूट में दोस्तों आपका रह जाएगा 10, और दोस्तों अंडर रूट 10 की वैल्यू होती है 3.16। तो मतलब दोस्तों ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, लेकिन ये 210 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 100, 100 गुणे इतना कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों आपका लगभग 3.16 दशमलव समथिंग आएगा। तो दोस्तों अगर इसका अंडर रूट आपका 3.16 पॉइंट समथिंग आता है, तो मतलब साफ है कि जो हमारा 6 अंकों की जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो होगा आपका 317 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, उससे छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या आपकी नहीं निकलेगी। 317 गुणे 317 कर लेंगे, अभी हम आपको और अच्छे से समझा देंगे, परेशान मत होइए। 7 7 49 का 9, 7 1 7 4 11, 7 3 21, 1 22, ठीक है दोस्तों। अब 1 से गुणा करेंगे, 1 7 7, 1 1 1, 1 3 3, फिर दोस्तों अब किससे गुणा होगा आपका, 3 से, 3 7 21 का 1, 3 1 3 2 5, 3 3 कर 9, कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 7 1 8, 2 1 3 1 4, ठीक है, 5 3 8 2 10, ठीक है, 9 1 10। तो दोस्तों ये आ जाएगी 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो आपका दोस्तों आंसर ये हो जाएगा 100 489। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो आपको ध्यान में रखना, नहीं तो आप लोग गलती कर सकते हैं जल्दबाजी में।
तो आपका फिलहाल फाइनल आंसर यही हो जाएगा। देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर आगे आने वाले टाइम में पेपर में कोई और क्वेश्चन आता है। देखिए आप 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या उसने क्यों पूछा, उसे पता है दोस्तों, अगर आपसे दोस्तों कभी पूछा जाएगा 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो 100 लिख लेंगे दोस्तों और 100 का अंडर रूट निकाल लेंगे, तो 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों आपकी क्या आ जाएगी, ये 100 ही आ जाएगी। ठीक है, इसका आंसर आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 100 का अंडर रूट करेंगे तो 100 हमारा 10 आता है, तो मतलब सही है कि मतलब ये पूर्ण वर्ग तो है, तो हमारे दोस्तों आंसर 3 अंकों में 100 आ जाएगा, सही है। लेकिन अगर दोस्तों हम 4 अंकों की बात कर जाए, अब बताइए 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, अब इसका आंसर 1000 दोस्तों नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप 1000 का अंडर रूट करेंगे तो दोस्तों कैसे होगा इसको बता दें फिर से हम आपको। 1000 का दोस्तों आप लिख सकते हैं 10 की घात 3, या दोस्तों 10 की घात 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर इंटू 10, 10 के स्क्वायर में दोस्तों 1 10 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 10 की वैल्यू हो जाएगी 3.16 समथिंग, तो दोस्तों ये आ जाएगा 31.6। तो दोस्तों 31.6 जब इसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो मतलब इसकी अगली संख्या इसकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, या 32 आप कह सकते हैं, तो 32 × 32 कर लेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, आंसर 10 = 24 आना चाहिए, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 4 आ जाएगा, 6 × 6 = 12 हो जाएगा, 9 = 10 आ जाएगा, 10 = 24। तो दोस्तों 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 10 = 24, 1024। ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में अगर पेपर में आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आप उसको आसानी से कर सकते हैं। पहले अगर कभी ऐसा क्वेश्चन लिखा कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहले आप 6 अंक लिख लीजिए जो छोटी से छोटी संख्या होगी, तो ये सिंपल आप लोग लिख लेंगे ना, 3 4 5 6, 6 अंक दोस्तों आपने लिख लिया। अब दोस्तों देखिए कि क्या ये अंडर रूट करने पर आसानी से कोई नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या मिलती है, मतलब दोस्तों अंडर रूट में उसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ देखा अंडर रूट 10, अब इसको तो सॉल्व किया नहीं जा सकता, लेकिन हमने जबरदस्ती सॉल्व किया, इसका हमें पता है कि इसका मान होता है 3.16, आगे भी होता है लंबा, लेकिन हम आपको सॉल्व करके दिखा दिए। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इसका फाइनल आंसर आपका 100 489। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे पेपर में। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, तो दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि 289 के वर्ग मूल में कितने अंक होंगे, आपको ये बताना है, अंडर रूट 289 कर दीजिए, 289। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट 289 में क्या लिख सकते हैं इसको, 17 के स्क्वायर होता है ना, 17 × 17, दोस्तों जब दो पेयर है तो 1 17 बाहर आ जाएगा, तो दोस्तों हमारा आंसर 17 आएगा, लेकिन लेकिन हमें क्वेश्चन में बताना है कि 289 के वर्ग मूल में कितने अंक होंगे, तो दोस्तों आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा कि 289 के वर्ग मूल में 2 अंक होंगे। ठीक है, इसका आंसर हो गया दोस्तों 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, यहाँ पर आंसर आपका फाइनल आंसर आ गया आपका 2 अंक, क्योंकि दोस्तों देखने यहाँ पर 2 डिजिट लिखे ना, 1 और 7, तो 2 अंक हो गया यहाँ पर, अगर 1 7 1 लिखा होता तो यहाँ 3 अंक हो जाते हैं, तो इसका आंसर +2 अंक होगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, तो दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती है या किसे कहते हैं। देखिए, किसी संख्या का अभाज्य गुणन खंडों के समान, खंडों के जोड़ बनाने के बाद कोई भाज्य मतलब अभाज्य गुणनखंड न रहे तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, जब हम फैक्टर करते हैं, जैसे अगर हम अंडर रूट 100 का ही वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, मतलब कोई भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड नहीं बचना चाहिए। चलिए दोस्तों हम करके आपको दिखा देते हैं, मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर आप 100 का ऐसे करेंगे, भाग करेंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, 50 बार, फिर दोस्तों भाग करेंगे दोस्तों आप लोग कितनी बार जाएगा, 25 बार, अब 5 से भाग करेंगे, 50 25 और 5 × 5, तो दोस्तों जब अगर इसको अंडर रूट 100 लिखते हैं, तो इसको हम अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, इसका पेयर क्या बन गया आपका, 2 × 2 = 5 × 5, ठीक है, 2 × 2 = 5 × 5। तो दोस्तों क्या यहाँ पर क्या बोला गया, जब हम समान खंडों के जोड़ बनाने के बाद कोई अभाज्य गुणनखंड ना रहे तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब दोस्तों देखिए, आप इसका जोड़ा बनाइए, पेयर बनाइए, दो दो का बन गया ना, तो मतलब यहाँ से साफ है कि 1 2 बार आएगा और यहाँ से 1 5 बार आएगा और आपका आंसर 10 आ जाएगा। सबको पता है, सभी बच्चों को पता होगा कि अंडर रूट 100 की वैल्यू होती है आपकी 10। कैसे आता है दोस्तों, ये यही आपके अभाज्य गुणनखंड होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और ये एक सम संख्या भी है। कभी पेपर में अगर आपको पूछ लिया गया कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो उसका आंसर होगा आपका 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, तो उसका आंसर होगा आपका 4, क्योंकि दोस्तों 4 1 से कटती है, 2 से कटती है और 4 से कटती है, 2 दोस्तों सिर्फ 1 और 2 से कटता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है, ध्यान में रखना दोस्तों।
अब भाज ये दो गलतियां बच्चे कर जाते हैं। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। उससे पहले दोस्तों ये भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आपकी चार आई थी क्या है, ये आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। और दोस्तों अगर एक की बात करें तो वन जो होता है ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। अब दोस्तों देखेंगे फाइनली आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों नौवां क्वेश्चन है कि क्या 2 27,000 पूर्ण घन संख्या है या नहीं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम 27,000 के अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आएगा, सोचिए आप लोग। सोचना क्या है, या तो करना ही है और क्या है। तो कर लेते दोस्तों, आप ऐसे भाग दें तो काफी लंबा हो सकता है, लेकिन पूर्ण घन संख्या है या नहीं इसको बताना है। तो दोस्तों दो तीन तरीके अपना सकते हैं हम लोग इसको आसान तरीके से करने के लिए। अगर दोस्तों इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 27 गुणे 1,000, 3 जीरो को दोस्तों हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है कि अगर हम अब घन में करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये घन में ऐसे करते ना, पूर्ण घन संख्या है या नहीं, एक मिनट रुकिए दोस्तों, यहाँ अगली लाइन में लिखते हैं। हमें दोस्तों इसका घन निकालना है, 27 गुणे में 1,000, ठीक है। यहाँ पर घनमूल का लगा देंगे तो दोस्तों हम 27 को क्या लिख सकते हैं जरा बताइए आप लोग। 27 को हम लिख सकते हैं ना 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। सभी बच्चों को पता है एक पेयर इसका बाहर आ जाएगा। और 10 को, और दोस्तों आपका लिखा है 1,000, 1,000 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। अगर इसको और हम छोटा करना चाहें तो एक तरीका और, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 गुणे 3 गुणे 3 है आपका। अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो उसमें दोस्तों अगर हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 10 को दोस्तों आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, 5 दुनी 10। तो दोस्तों यहाँ पर 3 10 दिख रहे हैं, तो 3 बार हम लोग लिखेंगे दोस्तों 2 गुणे 5, फिर दोस्तों 2 गुणे 5, फिर 2 गुणे 5, ठीक है। तो बस हो गया दोस्तों आपका आंसर फाइनली आ गया सबका। 3 3 का जोड़ा बना लीजिए, उसको बाहर करिए, क्योंकि एक लाइन और लिख लेते हैं आपको समझ में आए, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो दोस्तों सभी 2 को एक जगह लिख लेते, तो 2 कितनी बार है आपका, 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और दोस्तों 5 भी आपका 3 बार है, 5 गुणे 5 गुणे 5। तो सबका एक एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, 3 में 3 3 का जोड़ा यहाँ बनेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से एक 3 बार आ गया, यहाँ से एक 2 बार आ गया, और यहाँ से 5 बार आ गया, तो हो गया 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। तो हमें ये सब नहीं बताना था कि इसका आंसर क्या होगा, घन निकाल कर क्या आएगा, खाली ये हमें बताना था कि क्या 27,000 पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि हाँ, 27,000 एक पूर्ण घन संख्या है, इसका आंसर होगा दोस्तों यस या हाँ, ठीक है यस। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है। प्राकृतिक मतलब दोस्तों होता है, आप पहले समझ जाए, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या दोस्तों, एक का अगर हम कुछ भी करते हैं, अंडर रूट करते हैं तो भी दोस्तों वैल्यू 1 आती है, ये करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर सिंपल सा 1 हो जाएगा, इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आंसर आपका क्या आएगा, एक सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों अगर आपको एक साथ 3 सिक्के फेंकेंगे तो टोटल 8 प्रकार की घटनाएं आपकी हो सकती हैं। क्या क्या दोस्तों, पहला एक तो हो सकता है दोस्तों आपका तीनों या तो हेड 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 आ जाए, और दो या तो हो सकता है आपका पहला हेड आ जाए, दूसरा टेल आ जाए, फिर तीसरा हेड आ जाए, ठीक है। और तीसरी संभावना दोस्तों आपकी क्या हो सकती है बताइए, हेड हेड और टेल आ जाए दोस्तों, या तो चौथी संभावना दोस्तों क्या हो सकती है, पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए फिर हेड आ जाए, ठीक है दोस्तों। पहले 4 संभावना तो ये हो गई, उसके बाद दोस्तों क्या हो सकता है, पहले 4 के बाद फिर तो या तो ये हो सकता है दोस्तों कि तीनों टेल टेल और टेल आ जाए, फिर दोस्तों या तो ये हो सकता है कि पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, ठीक है दोस्तों, या तो फिर ये हो सकता है कि टेल टेल या हेड आ जाए, और दोस्तों लास्ट में क्या हो सकता है आपका, यह दोस्तों आपकी एक संभावना और बन सकती है ना, क्या बन सकती है यहाँ पर, पहला हेड आ जाए फिर दोस्तों आपके 2 टेल और आ जाए। तो दोस्तों ये देखिए टोटल 8 तरह की संभावनाएं बन सकती है। अगर दोस्तों आपको भरोसा ना हो तो आप लोग घर में लीजिएगा इसको, कर्ली ब्रैकेट में दोस्तों सभी को रखेंगे, तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा दोस्तों, आप एक साथ 3 सिक्के उछालिएगा, देखिएगा ऐसा ही कुछ आपके सामने बनेगा। तो ये क्रम में दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं, जैसे भी आपके मन में आए लिख सकते हैं। अगर दोस्तों 4 सिक्कों को उछालेंगे तो 16 तरीके का संभावना हो सकती है। पहले दोस्तों हमने देखा कि हेड 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 टेल हेड, फिर हेड हेड टेल टेल हेड हेड, ठीक है दोस्तों, सभी संभावनाएं अलग अलग है, तो ऐसा संभावनाएं बन सकती है, लेकिन आपको सिर्फ आंसर 8 कर देंगे तो भी आपके लिए पर्याप्त होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं सिक्के से संबंधित, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न।
तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि माध्यिका किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं हम लोग, तब मध्य में आने वाले पद को ही जो मान होता है उसे हम माध्यिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। आरोही का मतलब होता है दोस्तों आपका बढ़ता हुआ क्रम। जैसे दोस्तों अगर लिखते हैं 1 2 3 4, ये दोस्तों आरोही क्रम होता है, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। दोस्तों जैसे लिखेंगे 4 3 2 1, इसको दोस्तों हम बोल सकते हैं एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर, और दोस्तों ये हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये बढ़ता हुआ क्रम ये घटता हुआ क्रम। तो ऐसे माध्यिका आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, निम्नलिखित आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का मतलब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए जिसकी आवृत्ति या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही उस क्वेश्चन का बहुलक होता है। जैसे आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे, देख के पता चल जाता है क्या रिपीट ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखिए दोस्तों क्या रिपीट ज्यादा दिख रहा है, 13 14 10 12 11 12। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों 12 में ज्यादा दिख रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ 12 है, हाईलाइट करते हैं, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 और दोस्तों यहाँ 12 है। तो मतलब दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि 4 बार 12 आ चुका है, तो उससे ज्यादा दोस्तों एक आपका 10 एक यहाँ दिख रहा है, 2 बार 10 आया है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें 12 से ज्यादा कुछ रिपीट नहीं होते, इसका आंसर 12 हो जाएगा। और दूसरा वाला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 19 25 36 38, ये। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 38 आ रहा है, फिर यहाँ पर दोस्तों 38 आ रहा है, 2 बार रिपीट हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 38 से ज्यादा कोई संख्या रिपीट नहीं हुई होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 38। ठीक है, इसके 12 बार सर्वाधिक मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, तो इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, 38 हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38, बस ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जो लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपल सा आपका होता है 2 पाई आर इंटू एच, या दोस्तों सिंपली लिख लीजिए कि मिला के 2 पाई आर एच। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि लंब वृत्तीय शंकु के आयतन का हमें सूत्र लिखना है। देखिए दोस्तों शंकु के आयतन का फार्मूला हो जाता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद रखना है दोस्तों, गलती आपसे ना हो। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि युगपत समीकरण किन्हें कहते हैं या किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा दो अज्ञात चर वाले समीकरण। दोस्तों जैसे मान लेते हैं दो अज्ञात चर वाले समीकरण क्या हो जाएंगे, जैसे मान लेते हैं एक हो गया a1x+ का आपका दोस्तों हो गया b1y+ का c बराबर हो गया 0। ठीक है, पहला ये हो गया, और दोस्तों दूसरा मान लेते हैं इसी का सेम टू सेम a2x+ का b2y+ का c बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर भी c1 c2 मान लेते, सब a1 a2 माने, तो यहाँ पर ऐसे मान लेते। तो बस यही हो गया दोस्तों आंसर कि दो अज्ञात, याद कर लीजिए दोस्तों, या कॉपी पर लिख लीजिए, दो अज्ञात चर वाले समीकरणों, पहला वाला दोस्तों ये लिखेंगे, ठीक है, और फिर आगे इसमें ऐसे जोड़ेंगे, और ये को युगपत समीकरण कहा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अब दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि वृत्त के व्यास का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों वृत्त का व्यास बराबर होता है आपका, व्यास व्यास बराबर दोस्तों होता है आपका 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, तो यही इसका फार्मूला हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है या क्या है। तो दोस्तों वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है सिंपल सा आपका, याद रखिएगा 2 पाई इंटू आर, 2 पाई आर होता है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखना है 2 पाई आर, यही आपका आंसर हो जाएगा, वृत्त की परिधि का फार्मूला। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 1 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला दोस्तों पहले हम आपको बता दें क्या होता है इसके, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यहाँ पर πr², और हमें दोस्तों त्रिज्या की वैल्यू दी गई, आर बराबर दोस्तों दिया गया हमें 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो बस मान रखना है और क्वेश्चन आपका हो गया। पाई आर की जगह दोस्तों लोग क्या रखेंगे, 2.1 का होल स्क्वायर, और दोस्तों पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी, देखिए पाई की जगह हम रख देंगे 22/7 गुणे दोस्तों हो जाएगा 2.1 गुणे 2.1। ठीक है, भाग कर लेंगे 7 एकम 7, 7 3 21, 0.3 हो जाएगा दोस्तों भाग करने पर, गुणा कर लेंगे पहले कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 अंक पर 0.2। ठीक है दोस्तों, अब गुणा कर लेते हैं जरा, 1 6 का 6, 1 6 6, 2 6 12 का 2, 2 6 12 13।
तो दोस्तों जोड़ लेते हैं, 6 6 2 8 3, और दोस्तों एक आ गया। दशमलव कितने अंक पर लगेगा? एक अंक, क्या एक अंक गया, 2 अंक पर दोस्तों। दशमलव 13.86, इसको दोस्तों आपको जो क्षेत्रफल आता है ना, क्या बोला गया था, वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या करेंगे, आंसर कर देंगे, और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि वृत्त की जीवा क्या होती है ये बताना है। तो दोस्तों जीवा एक ऐसा रेखाखंड होता है जिसके दोनों सीमांत बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं। ठीक है, याद रखना है कि वृत्त जो जीवा होता है वो एक ऐसा रेखाखंड होता है। ठीक है, रट्टा मान लीजिए, जीवा एक ऐसा रेखाखंड होता है जिसके दोनों सीमांत बिंदु वृत्त पर स्थित हो। चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं, कोई जीवा बना के दिखा देते हैं। कोई दोस्तों अगर आपका ऐसा वृत्त आपके सामने दिख रहा है, तो दोस्तों अगर हम इसमें एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, जैसे खींच दिए ए बी, ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी वृत्त की एक जीवा हो जाती है। तो दोस्तों अगर कोई एक ऐसी रेखा खींच देते सी डी, तो ये दोस्तों वृत्त की जीवा नहीं होगी, ये वृत्त की छेदिका हो जाती है। ठीक है, याद रखना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपके वृत्त की जीवा पूछा है, तो क्या हो जाएगा, जीवा बराबर खाली आपका होगा ए बी, सी डी नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा यहाँ पर ऐसे लिखिए कि जीवा एक ऐसा रेखाखंड होता है जिसके दोनों सीमांत बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि ए और बी दोनों वृत्त पर स्थित हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना, तो दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है 8738079216। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा 8738079216। तो दोस्तों आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो आप लोग प्लीज बता दें कि हम बीटीसी 4 सेमेस्टर से हैं, तो दोस्तों उससे कंफर्मेशन हो और तुरंत आपको मैथ की सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको बहुविकल्पीय के अलग वीडियो, अति लघु उत्तरी के अलग और लघु उत्तरी के अलग वीडियो तुरंत आपको दे दी जाएगी। तो दोस्तों आप देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि वृत्त का व्यास क्या होता है या क्या है। तो दोस्तों देखिए वृत्त कैसा होता है, पहले आप बना लीजिए। तो दोस्तों जो वृत्त का व्यास होता है, ये बिल्कुल केंद्र से होकर जो सबसे बड़ी जीवा जाती है, जिसको बोलते हैं कि आपका व्यास, वह जीवा है जिसमें वृत्त का केंद्र स्थित हो। ठीक है दोस्तों, अगर हम एक ऐसा कर देते हैं, तो दोस्तों अगर यहाँ पर हमारा वृत्त का केंद्र यहाँ पर होगी, ठीक है, इसको रेड से करते हैं हाईलाइट, तभी दोस्तों आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ से आपकी व्यास होकर गुजरती है। तो दोस्तों व्यास बराबर आपका होता क्या है, इसको भी आप लोग जान जाइए, इसका फार्मूला होता है, काफी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। व्यास बराबर दोस्तों होता है आपका फार्मूला 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, इसको आप लोग लिख के याद कर लीजिए, चाहे जैसे याद करिए, याद रहना चाहिए। काफी बार दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे व्यास और त्रिज्या से रिलेटेड, और त्रिज्या बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, त्रिज्या बराबर आ जाएगा आपका व्यास बटे 2। व्यास बटे 2, देखिए दोस्तों त्रिज्या को हम आर से शो करते हैं, व्यास को हम डी से शो करते हैं। देखिए डी मतलब डायमीटर, आर का मतलब रेडियस, ध्यान में रखना है इसके चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है, किससे इसको प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि वर्ग क्या है, वर्ग क्या होता है ये आपको बताना है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है, हमारा ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं हमारी दोस्तों क्या होती है, इसकी लंबाई समान होती है। अगर दोस्तों आपकी इस भुजा की लंबाई ए है, तो इसकी भी ए ही होगी और इसकी भी ए होगी और इसकी भी ए है। अगर दोस्तों मान लेते ये 2 सेंटीमीटर की, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी दोस्तों 2 सेंटीमीटर की ही होगी। और एवं इस आकृति में चारों कोण समकोण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जो ये सारे कोण बनते हैं ना, आपके ग्रीन से दिखाते हैं, ये कोण दोस्तों बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये चारों कोण दोस्तों क्या होते हैं, 90 अंश होते हैं। वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज एवं आयत भी होता है, याद रखना है। वर्ग को हम एक समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, और दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए गुणे या भुजा का स्क्वायर। ठीक है, बराबर लिख सकते हैं हम लोग भुजा का स्क्वायर, या दोस्तों क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, जो भी मन करे आप लोग लिख लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन वर्ग से आ सकते हैं कि वर्ग क्या होता है, कैसे बनता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म अगर परस्पर समांतर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज आपका, क्या बोलते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं कि जैसे किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का युग्म समांतर हो, तो उसको हम बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो दोस्तों आयत का प्रत्येक कोण आपका समकोण कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आयत का प्रत्येक कोण आपका 90 अंश का होता है, ये आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों एक बार आप देख लीजिए आयत होता कैसे है। तो दोस्तों इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। दोस्तों अगर ये
एक्स है तो ये भी दोस्तों आपकी एक्स हो जाएगी, अगर दोस्तों ये वाई है तो ये भी आपकी वाई होगी। मतलब अगर दोस्तों ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी दोस्तों आपकी भुजा 2 सेंटीमीटर होगी, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इधर वाली भुजा भी आपकी 1 सेंटीमीटर होगी। और दोस्तों आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई, सिंपल सा फॉर्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप भी पूछा जा सकता है कभी कभी। देखिए दोस्तों एक और बता दें आपको, पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या था, इससे पहले वाले में हमारा वर्ग का सब कुछ देखा, और वर्ग का परिमाप दोस्तों अगर पूछा जाए कभी तो क्या होता है, इसका परिमाप 4 into a या 4 गुणे भुजा। परिमाप वर्ग का परिमाप दोस्तों क्या होता है, 4 गुणे भुजा। अब दोस्तों वैसे ही हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में, आयत का प्रत्येकोण तो दोस्तों देख लिया, और आयत का परिमाप दोस्तों पूछ लिया जाए कभी पेपर में तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए दोस्तों परिमाप का क्या मतलब होता है, सभी भुजाओं को हमको जोड़ के लिखना होता है, 2 2 4 5 6 6 आना चाहिए दोस्तों कैसे भी है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यहाँ पर 2 + 1 कर देंगे तब भी दोस्तों जोड़ने पर 3 और 6 आ जाएगा, ठीक है ऐसे ही आ जाता है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही लिखेंगे, ये भी जरूरी है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है आपका, होता है 360 डिग्री, ठीक है 360 अंश। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 26 नंबर क्वेश्चन रहा आपका कि चक्रीय बिंदु को आपको समझाना है। देखिए जो बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हें हम चक्रीय बिंदु कहते हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, जो बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हें हम चक्रीय बिंदु कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि संख्याओं 1050 7089 में का बहुलक आपको बताना है। देखिए दोस्तों बहुलक का मतलब ये होता है जिसकी आवृत्ति है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है। 1 लिखा है, 0 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर दोस्तों 0 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर 0 लिखा है, फिर 8 लिखा है, और फिर 9 लिखा है। और दोस्तों ये प्रश्न आपके BTC या DLED 2016 में आ चुका है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका बहुलक, देखिए 0 एक बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो है इसमें संख्या रिपीट हो रही है वो दोस्तों आपकी है 0, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को हम क्या लिखेंगे, आंसर। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, क्यूब रूट में 125 × 343 का हमें मान बताना है, ठीक है। क्या लिखा दोस्तों, ऐसे बड़े से लिख लेते हैं आपको दिखे अच्छे से, 125 × 343, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 343 है ना ये, और यहाँ पर दोस्तों लिखा है 3, मतलब इसका होता है क्यूब रूट, अगर 2 लिखा होता है तो अंडर रूट या स्क्वायर रूट दोस्तों जो भी आप कह सकते हैं। तो बताइए क्या होगा दोस्तों, हम 125 को क्या करते हैं, क्या लिख सकते हैं पहले ये बताइए आप। 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, ठीक है। जो क्यूब रूट होता है दोस्तों इसका 3 का मतलब होता है आपका 3 का जोड़ा मिलेगा, 3 का जोड़ा मतलब बनने का मतलब है दोस्तों कि जो ब्रैकेट से बाहर आएगा क्यूब रूट से वो एक ही 5 बार आ पाएगा। 2 का बनता है तो दोस्तों 1 बार आएगा, जब आप 2 लिखा होता है। 343 का मतलब है 7 × 7 × 7, ठीक है। अच्छा तो रूट लगाएंगे आप लोग जो बनाए आपका, ये 3 लिख देंगे तो दोस्तों सबका पेयर बन गया, तो यहाँ से एक 5 बार आ जाएगा, यहाँ से एक 7 बार आ जाएगा, 7 × 5 कर लेंगे आपका आ जाएगा 35, ठीक है ये आपका आंसर होगा। और यह प्रश्न आपको BTC DLED 2016 में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई अगर हमें 14 सेंटीमीटर दी गई है तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आपका 2 πr × h, ठीक है दोस्तों। 2 कर लेंगे, पाई की वैल्यू होती है दोस्तों आपकी 22/7, आर का मान दोस्तों मतलब होता है, आर का मतलब होता है रेडियस या त्रिज्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ इंटू में 5 करेंगे गुणा में, और दोस्तों लास्ट में h की वैल्यू दी गई, ऊंचाई आपकी 14 सेंटीमीटर × 14, भाग कर लेंगे 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, ठीक है दोस्तों। 22, एक काम करते हैं 5 का गुणा 2 से करते हैं, 22 का गुणा 4 से, 22 × 4 = 244 हो जाएगा, सॉरी 22 × 2 = 44, 5 × 2 = 10, ठीक है दोस्तों। 10 4 तो 44 × 10 हो जाएगा दोस्तों आपका 440, और इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा आपका, बेलन का वक्र पृष्ठ था ना दोस्तों। यहाँ पर आके आप लोग क्या लिख लेंगे, इसका जो यूनिट बनेगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया आपका 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि 9/49 a² - 4b² के हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन सही से लिखते दोस्तों, अगर आपको ना दिख रहा हूँ, 9/49 × a² है दोस्तों माइनस का 4b², इसके दोस्तों आपको गुणनखंड करना है। देखिए सबसे पहले आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा सभी बच्चों ने, a² - b² का फार्मूला,
क्या होता है दोस्तों, एक ब्रैकेट में आप लिखते हैं ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में इसको लिखते हैं आप लोग ए माइनस का बी। ठीक है दोस्तों, लेकिन पहले ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो बनाए, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3a/7 का होल स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों ना। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस का, इसको दोस्तों लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, 2 2 4 b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं कि ये फार्मूला भाई अलग है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब दोस्तों देखिए, ए स्क्वायर ये बन गया -b स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3a/7 + 2b। ठीक है दोस्तों, और दूसरे ब्रैकेट में इसको क्या लिख सकते हैं, 3a/7 - 2b, यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो ध्यान में रखना है दोस्तों कि आपसे कोई गलती ना हो। तो फिलहाल दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका डीएलएड 2016 में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों इसी को यहाँ पर हम आंसर कर देते हैं इतने को। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आपको सूत्र लिखना है। तो क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसके क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा आपका 1/2 × d1 × d2। तो दोस्तों यहाँ पर d1 d2 क्या है, इसके विकर्णों का गुणनफल है। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, विकर्णों का गुणनफल। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना काफी आसान होता है, विकर्णों का गुणनफल। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना है इस पावर मूल्य को। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की आपकी परिधि ज्ञात करनी है। तो दोस्तों वृत्त की परिधि का आपका फार्मूला क्या होता है, पहले आपको यह पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है वृत्त की परिधि बराबर 2 × π × r। तो दोस्तों हमें यहाँ पर व्यास दिया गया है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या बराबर दोस्तों आपका होता है फार्मूला व्यास/2। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, व्यास/2 कर लेंगे। तो दोस्तों आपको व्यास कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर, 14/2 कर लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आ गया त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो हमारा फार्मूला था परिधि वाला क्या था, 2π r। तो 2 × 1 करेंगे, × 22/7 π की जगह रखेंगे, और दोस्तों अभी हमने त्रिज्या यहाँ पर निकाली है 7 सेंटीमीटर, तो आर की जगह क्या रखेंगे, 7। आर का मतलब होता है रेडियस और हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। 7 से 7 दोस्तों कट गया, 22 × 2 हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, आइए देखते हैं। एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत, ठीक है, के चौड़ाई के परितः, जो दोस्तों आप आयत है ना, आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक आपका आयत, आयत आप बना के दिखा देते हैं आपको, आयत कैसा होता है, आयत सभी बच्चों को पता ही होगा आयत कैसा होता है। ठीक है, आपका कुछ एक ऐसा आयत था, ठीक है, 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े। ठीक है दोस्तों, 17 सेंटीमीटर ही लंबाई है इसकी, चौड़ाई कितनी आपकी, 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जब चौड़ाई के परिते इसको, ठीक है, यहाँ पर घुमाया जाता है तो बेलन एक बन जाता है। और दोस्तों बेलन का जो आयतन का फार्मूला होता है, पहले इसको आपको पता होना चाहिए क्या बनता है, बेलन का आयतन होता है आपका π r² h। ठीक है, बेलन का आयतन फार्मूला π r² h होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पाई की वैल्यू तो सभी को पता हो, तो 22/7 रख देंगे, और आर दोस्तों आपका क्या बनेगा, मतलब इसके परिधि जब घुमाएंगे तो एक त्रिज्या टाइप का बनेगा ना, π r² h। तो दोस्तों हमारी हाइट बन जाएगी यहाँ पर 17 और आर बन जाएगा दोस्तों 7। ठीक है दोस्तों, आर का मतलब हो जाएगा आर का स्क्वायर गुड़े एच आ जाएगा आपका 17। तो दोस्तों हम पाई की वैल्यू रख देते हैं, 22/7 × 7 × 7 × 17, 1 7 से 7 कट गया और सबका गुड़ाई करना है दोस्तों, आंसर आ जाएगा आपका 22 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 = 15 हो जाएगा दोस्तों, और 17 कर लेंगे, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो कितना होता है, 17 × 4 = 68 हासिल आया, 6 × 17 = 85, 85 × 6 = 91, 17 × 1 = 17 और 17 × 9 दोस्तों तो आपका 26। ठीक है, 2618 घन। देखते हैं दोस्तों किसमें दिया गया था, सबको दोस्तों सेंटीमीटर में दिया गया, तो आपका आंसर आ जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट आपको दोस्तों पहले दी गई है, तो घन सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। अगर दोस्तों यूनिट ना दी गई होती तो आप यहाँ पर घन इकाई लिख सकते थे। तो फिलहाल 2618 का आंसर आ गया। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहा, कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, तो हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सिंपल था है, अगर इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा दोस्तों आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन का, पहले
कि एक बाग में उतने ही पेड़ हैं जितने बाग में पंक्तियां हैं दोस्तों। जैसे आप लोग इतनी पंक्तियां बना देते हैं, ठीक है, तो जितनी ही पंक्तियां हैं दोस्तों उतने ही बाग में आपके पेड़ भी हैं। तो मतलब सिंपल सा है, आप तो ऐसे लिख सकते हैं कि मानव बाग में पेड़ों की संख्या एक्स तथा उसमें पंक्तियों की संख्या भी एक्स हो गई। तो दोस्तों जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2304, ठीक है, तो सिंपल सा दोस्तों आपका एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2304। इसका अंडर रूट दोस्तों निकालेंगे जो आएगा वही आंसर होगा। 2304 अंडर रूट होता है दोस्तों आपका 48 का, तो एक्स का मान हो जाएगा 48। नहीं तो आप चेक कर ले सकते हैं, 48 × 48 कर लीजिए, 8 × 8 = 64 का 4, 8 × 4 = 32, 32 × 6 = 38 होता है दोस्तों, फिर 4 × 32 = 2, 4 × 4 = 16, 3 = 19, जोड़ देंगे 4, 8 × 2 = 10, 9 × 3 = 12, 1 × 11, 9 × 3 = 12, 1 × 13 हो जाएगा दोस्तों, 1 × 1 = 2, 2304 आ गया ना। देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं, देखिए थोड़े बहुत हमने आपको बताया था स्क्वायर आपको कम से कम 20 से लेके पर 1 से 20 तक तो सभी बच्चों की याद ही होता है, लेकिन आप लोग दोस्तों कोशिश करिए कि 1 से 50 तक याद करने की, जिससे कि आपके क्वेश्चन और तेज। देखिए मैथमेटिक्स अगर आपको तेज करनी है, आपको लगता है कि हमें कैलकुलेशन विद इन सेकेंड, कुछ बच्चे सोचते ना 1 सेकंड में आपका आंसर आया, कैसे आ सकता है जब आपको कम से कम 1 से लेकर 50 तक के वर्ग याद हो, कि 50 का वर्ग कितना होता है सभी को पता होगा, 2500 हो जाता है। ये सब तो आसान होता है लेकिन याद करना जरूरी होता है, याद करेंगे दोस्तों आपकी कैलकुलेशन तेज होगी, नहीं तो फिर परेशान होंगे आप लोग, और क्या समय ज्यादा लगेगा क्वेश्चन को करने में। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, टेन 45 − cot 30 + 2 cos 30 − sin 90 का हमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको पता हो कि टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, cot 30 का मान दोस्तों आपका अंडर रूट 3 होता है, और cos 30 का मान दोस्तों अंडर रूट 3/2 होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, और sin 90 का मान 1 होता है। अब क्वेश्चन को लिखते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न आपको लिखा था दोस्तों टेन 45 माइनस का cot का 30 अंश, ठीक है, प्लस का दोस्तों 2 cos 30 माइनस का साइन का 90, ठीक है दोस्तों इसको सॉल्व करना है। टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस कॉट 30 का मान दोस्तों अंडर रूट 3 होता है, प्लस का 2 × cos 30 का मान दोस्तों अंडर रूट का 3/2 होता है, माइनस साइन 90 का मान 1 होता है। ये 2 से दोस्तों 2 कट गया, कितना बचा 1 − अंडर रूट का 3, प्लस का दोस्तों यहाँ बचेगा अंडर रूट का 3 − 1, दोस्तों 1 से 1 कट जाएगा, अंडर रूट 3 से 3 कट गया, बचा कितना, सब कुछ कट गया, बचा आपका 0। घटा क्या है, सब घटा लिया गया है, भाग होता तो 1 बच जाता लेकिन घटाने पर कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ 0 हो गया। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बीटीसी या डीएलएड 2017 में पूछा जा चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि समीकरण 13x − 30 + x² = 0 को हल करना है, तो कैसे होगा दोस्तों आइए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले दोस्तों जो आपका एक्स स्क्वायर इसको पहले लिख लेते हैं तो और अच्छा लगेगा देखने में। एक्स स्क्वायर प्लस का 13x − 30 = 0, अब दोस्तों सही लग रहा है। दोस्तों हमने आपको एक बात बताई है, हर बार बताते हैं कि ये वाला माइनस चिन्ह के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि जो आपका 13 बीच में आएगा ये जोड़ कर आएगा कि घटा कर आएगा। ये माइनस का मतलब है दोस्तों ये घटा कर आएगा, पहले और लास्ट में दोस्तों इसका कोफिशिएंट 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं लिखा तो पहले और लास्ट का गुणा करते हैं, 30 × 1 = आपका हो जाएगा 30। अब दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि घटाने पर आपका 13 आ जाए, तो दोस्तों अगर हम 15 का गुणा 2 से करते हैं तो कितना आ जाता है, 30 आता है, ठीक है, और 15 से दोस्तों जब हम 2 घटाते हैं तो वो भी आपका आता है 13, ठीक है, 15 लिखा यहाँ पर, बीच में कुछ डॉट नहीं लगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। तो खत्म हो गया क्वेश्चन, सॉल्व हो गया, अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 15 का x माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 30 = हो जाएगा आपका 0। यहाँ से दोस्तों आपका x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 15 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस का 15 बचेगा बराबर आपका 0। दोस्तों दोनों ब्रैकेट से आपका x प्लस 15 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका x माइनस का 2 = 0। तो दोस्तों एक बार हम x प्लस 15 = 0 कर लेंगे, x की मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इसको 0 यहाँ पर दोस्तों एक तरफ मान लेंगे आपका x − 2 = 0। तो दोस्तों यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा −15 और दोस्तों यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा +2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न, और दोस्तों आपने यहाँ पर देखे कि x के 2 मान आपको मिल चुके हैं, ठीक है, तो फिलहाल आप लोग अगर चाहें तो अब दोस्तों ऐसे भी आंसर कर सकते हैं कि x बराबर आपका
-15 और 2 आया आंसर। ठीक है, ऐसे आंसर कर सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ +2 वाला आंसर कर दीजिए, माइनस को आंसर ना करना हो। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपका बीटीसी 2017 में आ चुका है, तो ये भी ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे पेपर में आ सकते हैं। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक वृत्त का क्षेत्रफल अगर 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला एक पाई आर स्क्वायर होता है और हमें वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मतलब हमें यहाँ से आर का वैल्यू निकालना है, त्रिज्या है ना, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 154 बटे पाई। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए चूंकि पाई का मान हमारा होता है आपका 22/7। ठीक है, पाई का मान रख लेंगे तो दोस्तों हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 154/22 और दोस्तों एकदम बटे में 7 हो जाएगा, 7 का गुणा दोस्तों ऊपर हो जाएगा ना, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 154/7/22। तो दोस्तों ये किससे कटेगा, 11 से पहले काटते थे, 11 कम 11, 11 चौके 44, 11 दूनी 22, 2 कम 2, 2 सत्ते 14। दोस्तों ये आपका आ गया 7/7, ठीक है ना, 7/7, तो आर बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट 7/7 और दोस्तों आर बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट लिखना कभी मत भूलिएगा, जैसे त्रिज्या आती है तो आपकी ये सेंटीमीटर में ही आएगी। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 4x² + 5x + 1 का आपको गुणनखंड करना है। क्वेश्चन थोड़े बड़े में लिखते हैं पहले, 4x² + 5x + 1। देखिए दोस्तों हमने बताया कि जो ये वाला प्लस का चिन्ह होता है या माइनस का होता है, इसी से दोस्तों हम डिसाइड करते हैं कि जोड़कर हमें ये बीच वाला 5 लाना है कि घटा कर लाना है। प्लस का है तो जोड़कर ही लाएंगे, पहले और अंतिम का गुणा कर लेंगे। दोस्तों 1 × 4 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। और दोस्तों जब 1 + 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो मतलब ये तो श्योर है, हमें पता चल चुका है कि 5 कैसे आएगा आपका बीच में जोड़ने पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4x² + x + 4x जोड़ देंगे प्लस का 1। ठीक है, बस दोस्तों यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे देखिए जरा, यहाँ से दोस्तों हम कॉमन x लेंगे तो बचेगा कितना आपका 4x + 1 ब्रैकेट में, और दोस्तों यहाँ पर भी हम 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 4x + 1। ठीक है दोस्तों, दोनों ब्रैकेट में 4x + 1 है तो इधर से भी 4x + 1 दोनों जगह से हम कॉमन ले लेंगे, आपका बचेगा x + 1। ठीक है दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऐसे कोई प्रश्न पेपर में पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसे 194,491 में घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब 194,491 में ना। तो इसमें दोस्तों भाग विधि का हम यूज करते हैं, 194,491 में घटाने पर आपका ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो दोस्तों चलिए भाग करना है, सिंपल सा भाग विधि दोस्तों प्रोसेस यूज करेंगे जो आपने बचपन में यूज किया हो दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इसके ऊपर क्या बना लेते हैं हम लोग, बार के टाइप का बना लेते हैं, याद होगा आपका ना, दो दो का जोड़ा बनाना होता है, तो दो दो का दोस्तों जोड़ा बना लेते हैं, दो का जोड़ा यहाँ, दो का यहाँ, दो का यहाँ, भाग करके दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले किससे भाग जाएगा आपका, 4 से जाएगा ना, ऊपर एक सीधी डंडी खींचते हैं, 4 × 16। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा आपका 16। ठीक है दोस्तों, ये 4 4 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और आपको ये भाग गया है 4 बार, यहाँ लिख लेते हैं, घटाने पर 3 आ रहा, 4 और 4। अब दोस्तों ये भाग आपका कितनी बार जाएगा देखिए, उसको लिखते हैं दोस्तों, अब आपका फिर से ये 4 बार चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब 4 बार जाएगा तो नीचे 4 और जोड़ लेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, 4 बार लेके जाए दोस्तों, 4 × 16 = 6, 4 × 8 = 32, 1 = 33। ठीक है दोस्तों, घटा लेंगे और यहाँ पर लिख दीजिए 4 बार और हम भाग कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आ गया 14 में से 6 गया आपका, बचा 8, यहाँ बचा दोस्तों 3, 3 में से 3 गया 0, 0 खत्म, और दोस्तों लास्ट में बचेगा 8 9 1, 891 ना, यहाँ पर दोस्तों 88 हो गया। अब दोस्तों ये कितनी बार चला जाएगा, ये तो एक ही बार जाएगा ना, अब यहाँ पर दोस्तों एक बार और ले जाते हैं, आपका आ जाएगा 8 8 1। ठीक है दोस्तों, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 8 गया 1 और ये। तो दोस्तों देखिए घटाने पर आपको ये देखिए जो शेष फल बच रहा है 10 बच रहा है, तो मतलब क्या है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें घटाने पर भागफल आपका पूर्ण वर्ग हो जाए। तो दोस्तों अगर हम इसमें इस संख्या में 491 में पूरे में अगर हम 10 घटा देते हैं, ये दोस्तों जो हमारा शेष फल आ रहा है, शेष आ रहा 10 आ रहा है, इसको अगर हम घटा देंगे तो ये हमारी जो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हमारा आंसर होगा 10 घटाने पर 194
481, ठीक है दोस्त, 194, 481 बनती है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, जो कि पूर्ण वर्ग है, समझ गए ना पूर्ण वर्ग क्यों है, कुछ कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहीं पर हमने देखा, अगर दोस्तों यहाँ पर 10 हम पहले घटा देंगे, 481 बन जाएगा, तो पूरा पूरा ये कट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तरीका अगर आपको ना पता हो कि भाग विधि कैसे करते जाला, जो भाग का तरीका दोस्तों आपने पहले बचपन में पढ़ रखा है, कुछ नया नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको बताया गया था ना कि अगर आपको किसी का अंडर रूट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं इस तरीके से, तो ये तरीका दोस्तों सभी बच्चों को बचपन में सभी बच्चों ने पढ़ रखा है। एक और आपको हम बता देते हैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल, और कि आपको अगर नहीं पता तो दोस्तों जैसे 625 का अगर दोस्तों आपको निकालना है कि भाई किसका अंडर रूट होता है, कैसे पता चलेगा, या तो आप ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं, या तो दोस्तों ये तरीका है, चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ऊपर क्या करते थे, एक हल्का सा जोड़ा बनाते हैं, यहाँ सिंगल है तो सिंगल रहेगा, और दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या से भाग करें तो जो 6 है, पहले दो से दोस्तों भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा पहाड़ा, 2 2 4, 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ 4 आ जाएगा, घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 2 5, ठीक है दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 4 आपका। अब दोस्तों 225 ला लेंगे, कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, यहाँ दोस्तों जो भी संख्या से गुणा करेंगे वो संख्या यहाँ लिखी जाती है, अगर 5 से गुणा करें तो यहाँ 5 लिखा जाएगा, नीचे 5 आएगा, और दोस्तों यहाँ पर भी 5 आएगा, ठीक है दोस्तों 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 50 25 के 5, 5 को 20, 2 22, ये पूरी संख्या कट गई। तो दोस्तों यहाँ हमें पता चल गया कि ये किसका स्क्वायर होता है, आपका 25 का स्क्वायर होता है, 625। तो ऐसे क्वेश्चन थे दोस्तों, बेसिक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी तो आप लोग कमेंट करेंगे, एक इसके लिए विस्तृत वीडियो में आपको बता देंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स का गुणनखंड हमें ज्ञात करना है, तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स है माइनस का सिक्स है, इसका दोस्तों हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों हमने फिर बताया कि आपको जो ये वाला माइनस एक्स, इसको हम देखेंगे, पता चलेगा कि जो यहाँ पर जो एक्स का कोएफिशिएंट, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो जो यहाँ 1 है वो जोड़ कर आएगा कि घटा कर, आप समझ गए होंगे घटा कर आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों, तो 6 गुणे 1 करते हैं, सबसे पहले पहला और लास्ट गुणा, 6 गुणे 1 करेंगे तो दोस्तों आपका 6 आ जाएगा, तो मतलब दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या तो गुणा करें जिसमें गुणा करने पर 6 है और घटाने पर 1, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे 3 का गुणा 2 से अगर हम करेंगे तो 3 दुनिया आपका दोस्तों होता है 6, और 3 में से 2 घटाएंगे दोस्तों बचेगा आपका 1, जो कि दोस्तों यहाँ पर 1 आ रहा है ना, बस हो गया क्वेश्चन आपका खत्म। एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों माइनस का 3x, प्लस का 2x करेंगे माइनस का 6, दोस्तों प्लस का 2x इसलिए करते हैं कि घटाने पर आपको वही आ जाए जो यहाँ पर लिखी माइनस का x, तो यहाँ से x क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना x माइनस का 3, प्लस का दोस्तों यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 3 बचेगा, ठीक है दोस्तों दोनों ब्रैकेट से अगर हम x माइनस 3 कॉमन ले लें तो बचेगा कितना आपका x माइनस का 3, और यहाँ पर बचेगा आपका x प्लस का 2, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका BTC या DLED 2018 में पूछा जा चुका है, तो ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि sec 30 माइनस 2 cot 45 इंटू में माइनस 4/√3 × sin 30 प्लस 2 cos 0 का मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको मान बता देते हैं कि क्या होता है sec 30 का, दोस्तों आपका मान होता है आपका 2/√3 होता है, ठीक है दोस्तों cot 45 का मान tan 45 और cot 45 का मान सेम ही होता है, तो cot 45 का भी दोस्तों मान आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, और sin 30 का मान दोस्तों आपको साइड में लिख के दिखा दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, साइन 30 का मान दोस्तों आपका होता है 1/2, 1/2, और कॉस 0 का दोस्तों मान होता है आपका, कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है मान सब आपके सामने, अब इसको खाली आपको वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। सेक 30 दोस्तों सबसे पहले लिखा तो यहाँ पर क्या रखेंगे 2/√3, तो दोस्तों हो जाएगा 2/√3, ठीक है माइनस का कॉट 45 है 2 × 1, 2 × 1 इंटू में माइनस का 4/√3 साइन 30 देखे दोस्तों 1/2 वैल्यू रखेंगे, माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा दोस्तों 2 cos 0, ठीक है यहाँ पर 2 cos 0 लिखा ना, 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है बस। अब दोस्तों सॉल्व करना है, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 बार गया ना, यहाँ पर दोस्तों लिखा 2/√3 माइनस का दोस्तों 2 × 1 2 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से 2 कट गया ना, तो बचा 2/√3 का माइनस में, और प्लस का दोस्तों यहाँ पर 2 हो जाएगा, देखिए 2 से 2 घट गया 0, ये से ये कट गया 2/√3, यहाँ पे दोस्तों √3 लिखा है ध्यान दीजिएगा, तो इसका मान दोस्तों आपका आ गया 0। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका BTC या DLED 2018 में पूछा जा चुका है, तो मतलब साफ है कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इसका आंसर अधिकतर 0 ही आ जाता है, तो ध्यान रखना है।
कभी अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो आप 0 लिख दीजिएगा, हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी रहे, आपका तुक्का लग जाए अति लघुत्तरी प्रश्न में भी। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या हो तो वो आपको पता होना चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। इसका फॉर्मूला दोस्तों आपका सिंपल सा होता है, पाई इंटू आर इंटू एल। देखिए दोस्तों आर आपका होता है त्रिज्या, जो यहाँ लिखा है रेडियस, एल से मतलब दोस्तों होता है आपका तिर्यक ऊंचाई, और पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है 22/7, ठीक है। इंटू में आर के दोस्तों क्या रखेंगे, त्रिज्या आपकी 8 सेंटीमीटर दी गई है, और दोस्तों एल क्या दिया गया, तिर्यक ऊंचाई 21, तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ठीक है दोस्तों। गुणा करना है खाली, अब आपको बस और कुछ नहीं, 3 दूनी 6 22 गुणे 3 करेंगे, पहले 66 आ गया, गुणे 8 कर लेंगे, और दोस्तों 8 गुणे 66 8 6 48 का 8 हाथी लाया 4, 8 6 48 48 4 होता है दोस्तों आपका 52, ठीक है, 528 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर दोस्तों स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसका आंसर। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि भाई गलतियां कभी भी आपसे ना हो, छोटी छोटी दोस्तों गलतियां करके आपके 1 नंबर कटते हैं। जो बच्चे 25 में 25 टारगेट करते हैं वो छोटी छोटी गलतियों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, 14 × 14 × 14 × 14 × 14 × 14 को घात रूप में आपको व्यक्त करना है। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 14 या 14 कितनी बार आया आपका, यहाँ पर टोटल 14 6 बार आया, तो आप लोग लिख सकते हैं 14 की घात 6, ठीक है, इसको घात रूप में आपने व्यक्त कर दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसको इतना आंसर करिए। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि क्यूब रूट 343 मतलब इसका घनमूल निकालना, और दोस्तों ये अंडर रूट 576 को हमें सरल करना है। एक का दोस्तों हमें अंडर रूट निकालना और एक का हमें घनमूल निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना है दोस्तों ज्यादा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि 343 किसका दोस्तों घन होता है। पहले देखिए क्वेश्चन अच्छे से लिख लेते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को ना दिख रहा हो। 343 दोस्तों लिखा है ना, ठीक है, ये लिखा है ये घनमूल में, इंटू में दोस्तों आपका लिखा 576। दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पर आप 2 मान सकते हैं, यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को पता होगा कि 7 × 7 × 7 करते हैं तो आपका आंसर आता है 343। देखिए ये सब बेसिक चीजें, ये सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका घनमूल आपका 7 निकल आएगा, × 24 × 24 होता है, जब 24 का × 24 करते हैं दोस्तों तो हमारा आता है 576। ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं दोस्तों, ये आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका गुणा करने पर आपका 24 आता है, अंडर रूट 576 का मान आपका 24 होता है, गुणा कर लेंगे 7 × 28, 7 × 14 15 16, ठीक है दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 168। तो अगर आपको इतना याद नहीं है तो ये आपकी गलती दोस्तों कही जाएगी यहाँ पर। अब दोस्तों देखिए इसका अगर वर्ग निकालना, तो ये तरीका हम आपको और बता देते हैं कि अभी आपको पिछले में समझ में आया हो। तो वर्ग कैसे दोस्तों निकालते हैं, सबसे पहले तो सबने क्या बोला था आपको, जोड़ा बना लेता है पहले 1 2, ठीक है, हमेशा जोड़ा दो दो को बनता है, लेकिन अब यहाँ पर इकलौती संख्या तो इसको 1 ही मान लेते हैं। अब दोस्तों सबसे छोटी संख्या तो भाग करके देखेंगे, पहले 1 से नहीं करेंगे, 2 से स्टार्ट होता है, 2 से भाग करें दोस्तों, हाँ अगर 1 दिया हो तो 1 से कर लीजिएगा कभी दोस्तों, 2 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार गया दोस्तों, यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 दूनी 4 आता है यहाँ लिखेंगे, और दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 दो 4 जोड़ लेंगे, घटाने पर 1 आ जाएगा, 7 और 6, ठीक है दोस्तों। अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 बार लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, देखिए बहुत इसमें जोड़ घटाना भी करना होता है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले जोड़िए गुणा करिए इसको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जोड़ा ही जाएगा तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह नहीं होगा। 4 चौके दोस्तों होता है आपका 16 का 6, 4 चौके 16 1 17, ठीक है, देखिए सब कुछ कट गया। तो मतलब दोस्तों इसका जो हमारा वर्गमूल आएगा 576 का कितना आ जाएगा, 576 का अंडर रूट में हम लिखेंगे, 576 है ना दोस्तों, 576 का अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका, करके भी देख लिया हमने 24। तो दोस्तों चलिए ठीक है, हमारा आंसर सेटिस्फाइड हो गया, कि हमारा आंसर जो सेटिस्फाई कर लिया हमने कि 168 ही आएगा। तो दोस्तों आज हमने देखे 44 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के, बहुविकल्पी के, दोस्तों हमने वीडियो पहले आप देख चुके होंगे, नहीं देखा तो आपको उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों उसका लिंक दिया गया, उसको देखिए। और उसके बाद दोस्तों जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, बीटीसी डीएलएड 4th सेमेस्टर की दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न की एक अच्छी वीडियो और बड़ी वीडियो दोस्तों, आपको उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जल्दी आपको मिलेगा, वेट करना है दोस्तों। लेकिन हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक उसका लिंक आपके लिए अवेलेबल हो चुका हो। तो उस वीडियो को अगर दोस्तों आपने पूरी देख लिया तो समझ लीजिए 4th सेमेस्टर मैथ आसानी से आपकी निकल जाएगी। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और
ऑल द बेस्ट पेपर के लिए सभी बच्चों को। अगर आप लास्ट टाइम देख रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो घबराइए मत, क्वेश्चन आता ना आते। लेकिन दोस्तों आप लघु त्रिक वीडियो देखना ना भूलें, वो एक अच्छी वीडियो हो सकती है आपके लिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। और यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में दोस्तों अब मुलाकात होगी आपसे, फिर मिलते हैं।